Hello everyone, welcome to our fifth lecture of carbon and its compounds. Last lecture के अंदर, last video के अंदर बेटा हम कर चुके हैं about the nomenclature of carbon compounds. Today we will have practice for that. Practice करेंगे इसमें. So about the nomenclature, what we have learned is we were having different type of functional group and the sequence of functional group priority. Sequence for priority for naming नाम देने के लिए जो फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी होती है वो यहाँ लिख देते हैं. कार्बन सिलिक एसिड सी डबल ओ एच विल हैव फर्स्ट प्रेफरेंस फॉलोड बाय हैलोजन फॉलोड बाय कीटोन्स फॉलोड बाय एल्कोहल फॉलोड बाय हैलोजन्स एंड ड्यूरिंग नेमिंग ड्यूरिंग नंबरिंग सीक्वेंस During numbering sequence, जब आपको sequence के दौरान में numbering का काम करना हो, numbering करनी हो, counting करनी हो, location का काम करना हो, तो sequence क्या होगा आपका? It will be priority will be given to function group like this. कोई function group इनके अंदर. After that, you will have multiple bonds, means double bond or triple bond, and after that you will have side chain. जो side chain है, फिर उनको आपने Preference then. Now let's have example. Today we will make examples for this. You can make your own example by plotting carbon in any direction like that. Randomly you can go on making your own compounds. Put somewhere multiple bond wherever you think you can put. कहीं भी बस balances carbon की जो है कहीं भी चार से ज़्यादा extent नहीं होनी चाहिए. Like that. ऐसे हमने इस example को बना दें. हम इसके अंदर ज्यादा फंक्शन ग्रुप भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. मल्टीपल बॉन्ड आ गया, फंक्शन ग्रुप आ गया, साइड चेन भी आ गई इसके अंदर, और क्या बचा? और फंक्शन ग्रुप भी इसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर कि हमने OH को लगाया और यहाँ पर चलो मान लेते हैं हमने फ्लोरिन को लगाया. नाउ लेट्स स्टार्ट द नंबरिंग. सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीट द वैलेंसीज बाय हाइड्रोजन. यहाँ थ्री हाइड्रोजनों के यहाँ वैलेंसीज कंप्लीट है. यहाँ वैलेंस एक बच रही है, यहाँ वैलेंसीज थ्री बच रही है, यहाँ बैलेंसेस थ्री बच रही, यहाँ बैलेंसेस, तो हम लेट्स चेंज द न्यूमेरिकल फॉर्मूला और ये करते हैं हमने इस तरह से. वी हैव टर्न दिस एग्जांपल टू दिस फॉर्म. अब देखो इसमें तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन वन वन हो जाए. अब आप इसका नाम ढूंढ रहे हैं, टू नेम दिस, वी हैव टू आई यू आई यू पी एस सी नेम टू दिस कंपाउंड. आई विल स्टार्ट. What was the first rule? First rule was select the longest chain. Longest chain आपने इसमें select कर ली. तो longest chain जब आप इसमें select करेंगे तो वो कौन सी होनी चाहिए इसमें कार्बन ज्यादा से ज्यादा हो. तो start. 1, 2, 3. इसका नीचे नहीं आए तो ये कार्बन चेन आपकी कितनी बनी? 3 कार्बन की. उसके बाद 1, 2, 3, 4. ये 4 कार्बन की चेन बनती है. 1, 2, 3, 4. इधर आ गई तो 5. और आगे तरह में आगे ये 5 है, ये 6 है, तो 6 कार्बन की चेन बनती है. अब जब आपने इस कार्बन चेन को सेलेक्ट किया है, व्हेन यू सेलेक्टेड दिस कार्बन विद हैविंग विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन्स, तो इसके अंदर आपने ये देखना है कि उसमें फंक्शन ग्रुप जो है वो मेन फंक्शन ग्रुप जरूर आना चाहिए. अब मेन फंक्शन ग्रुप है कौन सा होगा इनमें से? मेन फंक्शन ग्रुप जितने फंक्शन ग्रुप इस कंपाउंड में है उनमें से देखो पहला नाम किसका वो इस मेन चेन में आपके आना चाहिए. जिसको आप लॉन्गेस्ट चेन बना रहे हो उसमें वो मेन फंक्शन ग्रुप आना चाहिए. तो ये फंक्शन ग्रुप कौन कौन सी है? फर्स्ट फंक्शन ग्रुप हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन ग्रुप है, ये सेकंड फंक्शन ग्रुप है और ये थर्ड फंक्शन ग्रुप है. इन तीनों में से मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है इसके अंदर जिसका नाम पहले आया? तो नाम किसका पहले आ रहा है इनमें से? कार्बोक्सिलिक एसिड का. तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपकी लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट होना चाहिए. इट शुड बी अंडर चेन, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द चेन. जब आपने इस चेन को काउंट किया है तो इस दौरान भी ये फंक्शन ग्रुप बाहर की तरफ रह गया, ये चेन के अंदर आना चाहिए. सो व्हाट प्रोविजन कैन बी डन? आप इंस्टेड ऑफ मेकिंग काउंटिंग फ्रॉम दिस कार्बन यहां से काउंटिंग शुरू करो. लेट दिस कार्बन ही एज वन. अब आप इसको लोगे तो आपकी ये चेन कंसीडर हो जाएगी. दिस विल बी योर कार्बन चेन और ये अगर चेन हो गया आपको तो इट हैज 6 कार्बन. इसमें भी कितने हैं? 6 कार्बन. नाउ द क्वेश्चन यू मे हैव कि अगर इसके अंदर मान लो 7 कार्बन हो और चेन के अंदर 6 ही कार्बन है तब भी आपको यही चेन सेलेक्ट करने क्योंकि मेन चेन के अंदर मेन फंक्शन ग्रुप आना जरूरी होता है. सो चेंज दिस. अब
लॉन्गेस्ट चेन अब होगी सेलेक्ट। सेकंड पॉइंट इज नंबरिंग लोकेशन। अब आपने इसमें काउंटिंग शुरू करनी है, नंबरिंग डालनी है, और वो कहां से स्टार्ट होती है, जहां से मेन फंक्शन ग्रुप नजदीक होता है, ये लिखा सीक्वेंस। नंबरिंग के दौरान आपकी सीक्वेंस कहां से शुरू होगी, जहां से मेन फंक्शन ग्रुप क्लोज होता है। सो मेन फंक्शन ग्रुप इज क्लोज फ्रॉम अबव साइड, ऊपर से है, तो ये हो जाएगा आपका नंबर वन, ये कारण हो जाएगा आपका टू, ये हो गया थ्री, ये फोर, फाइव एंड सिक्स। सो द मेन चेन है सिक्स कार्बन आइटम्स। यू कट दिस मेन चेन रफली इन योर रफ वर्क लाइक दिस। जब आप इस मेन चेन को ऐसे एक लाइन से कट कर दोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने इन कार्बन को काउंट कर लिया है। जो कार्बन अब इस लाइन से बाहर हो गए हैं, दे आर एक्टिंग एज साइड चेन। तो इन सब आपको पता चल जाएगा साइड में क्या बच गए, साइड चेन बच गई, ये है साइड चेन। अब आपके पास में हर चीज क्लियर है इसके अंदर। अब क्या बच रहा है, एक फंक्शन ग्रुप बच रहा है इसमें, एक फंक्शन ग्रुप बच रहा है। तो फंक्शन ग्रुप का पता चल रहा है कौन कौन बचे हुए इसके अंदर, और अब आपको ये भी पता है इसके अंदर कि साइड चेन कौन कौन सी, कितने कार्बन से। नाउ यू स्टार्ट नेम, अब आप नाम देना शुरू करो। सो व्हाट वाज द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले वर्ड रूट फॉलोड बाय प्राइमरी सफिक्स फॉलोड बाय सेकेंडरी सफिक्स, सबसे पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर आपने ये लिखना है, उसके बाद फिर आपने क्या करना, प्रीफिक्स को लिखना है, वो आपका फोर्थ नंबर होगा। तो स्टार्ट राइट, सबसे पहले वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है, जो लॉन्गेस्ट चेन उसके नंबर कितने कार्बन है, तो इसमें कितने कार्बन है, सिक्स कार्बन आ गया। तो व्हाट विल द नेम, एक्स प्लस, उसके बाद क्या है, पीएस मतलब बॉन्ड। इसमें बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का नाम क्या है, ईन। और ईन लिखने से पहले आपको लोकेशन दिखानी है, डबल बॉन्ड कहां से स्टार्ट हो, 5 से या 6 से, तो 5 से स्टार्ट हो रहा है, 6 पे तो खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा, इट इज डैश 5 प्लस। अब आपका है एस एस सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि मेन फंक्शन ग्रुप। तो मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका सफिक्स नेम क्या है, लुक एट द टेबल, टेबल देखो, द नेम इज ओइक एसिड, दिस इज ओइक एसिड। हर चीज का आपको पोजीशन जरूर दिखाना, ओइक एसिड किस पोजीशन पर है, 1, उससे पहले लिखो, किसी भी साइड चेन का, मल्टीपल बॉन्ड का, फंक्शन ग्रुप का, आपको जब भी पोजीशन दिखाना है तो उसके नाम से पहले उसका पोजीशन आएगा। हो गया, वी हैव डन 3 पॉइंट्स, फोर्थ पॉइंट बचा प्रीफिक्स। जिन चीजों के नाम अब आप लिख चुके हो इन 3 पॉइंट में, उसके अलावा जो भी नाम बच रहे हैं, दे ऑल विल बी ट्रीटेड एज प्रीफिक्स। क्या क्या बच रहे, दिस साइड चेन, दिस साइड चेन, दिस एंड दिस एंड दिस फंक्शन। अब आप इनका नाम लिखो इनके सामने, इन ऑर्डर टू हैव एम्बिग्यूटी कंडीशन, ताकि गलती ना हो। इसका नाम क्या है, साइड चेन का नाम कैसे लिखते हैं, साइड चेन नेम इज By the formula L plus YL. L is what? L क्या होता है? कार्बन नंबर। इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन। तो नाम क्या होगा? मेथ। और क्या जोड़ना? प्लस YL. तो क्या नाम हो गया? मिथाइल। अब इसके साथ इसकी लोकेशन भी लिखो, किस नंबर पे है ये? 2. तो ये बन गया 2 मिथाइल। ऐसे बात इसमें आ जाओ, तो इसका नाम क्या है? साइड चेन का 1 कार्बन, तो क्या नाम बन गया? मेथ और YL. लोकेशन क्या है इसकी? 3. तो बन गया 3 मिथाइल। ऐसे बात इसके ऊपर आओ, यहाँ जो ये मिथाइल ग्रुप है, ये कौन से कार्बन है? फोर्थ पे, तो नाम क्या हो गया? दिस और मिथाइल। ऐसे बात इसमें हो, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन किस पोजीशन के ऊपर है? सेकंड कार्बन के ऊपर, तो इसका नाम क्या होगा? टू फ्लोरो, ये टू फ्लोरो हो गया। उसके बाद में अब क्या बच गया, फंक्शन ग्रुप OH बच गया। OH किस नंबर पे है? 6 नंबर पे, इसका नाम क्या होता? हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स नेम फॉर OH। हाइड्रोक्सी ग्रुप का प्रीफिक्स नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सी होता है। तो ये हो गया। अब आपके पास में यू हैव दीस सो मेनी प्रीफिक्स नेम्स ऑफ द साइड चेन एंड द फंक्शन ग्रुप, इनमें से किस नाम का पहले लिखोगे, जिसका अल्फाबेट पहले आता है। तो इस नाम की शुरुआत है मिथाइल, सभी नाम मिथाइल में एम से शुरुआत हो रही है, और फ्लोरो में एच से शुरू हो रहा है, और हाइड्रोक्सी में एच से शुरू हो रहा है। तो पहले कौन आएगा? फ्लोरो, अल्फाबेट फ्लोरो पहले आएगा, ये बन जाएगा हमारा 2 फ्लोरो, 2 डैश फ्लोरो। डिजिट और अल्फाबेट के बीच में हमेशा डैश होगा, तो इट इज 2 फ्लोरो प्लस। अब इसके बाद किसका नंबर है? हाइड्रोक्सी एच, ये बन गया 6 हाइड्रोक्सी। ये एक बार आपने रफ में लिखना है, फिर फाइनली बाद में करना है। प्लस अब स्पेस कम बचा, अब क्या बच गया? मिथाइल का नाम बच गया।
अब मिथाइल देखो इसके अंदर तीन बार आता है, तीन बार आपको मिथाइल लिखना, मिथाइल 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 ऐसे नहीं लिखना। जब कोई नाम रिपीट होता है, कोई फंक्शनल ग्रुप रिपीट होता है तो उसको आपने एक बार लिखना है, लेकिन उससे पहले अगर वो एक बार आ रहा है तब तो सिंपल मिथाइल रहेगा, लेकिन अगर दो बार आ गया तो दो बार मिथाइल मिथाइल लिखने की बजाय यू राइट इट डाई मिथाइल, अगर तीन बार आ गया तो क्या हो जाएगा ट्राई मिथाइल, चार बार तो टेट्रा। तो हम क्या लिखेंगे, इट विल बी ट्राई मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइल। और क्या बताया था, किसी का भी नाम लिखने से पहले उनकी लोकेशन दिखानी, तो मिथाइल कहाँ कहाँ पर है वो लोकेशन दिखानी है, कहाँ कहाँ पर है, एक टू नंबर पर है, ये देखो टू नंबर मिथाइल है, एक मिथाइल आपका थ्री नंबर पर, एक मिथाइल आपका फोर, सो दिस टू कोमा थ्री कोमा फोर डैश ट्राई मिथाइल। जो अल्फा जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स को लिखने का रूल होता है राइट देम इन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ऐसे नहीं करना है कि 3, 2, 4 या 4, 2, 3, इंक्रीजिंग सीक्वेंस में लिखना है 2, 3, 4 या 2, 4, 6 इस तरह से लाइक दैट। अब आप इनका प्लस हटा दो एंड जॉइन द नेम्स, तो एक कंप्लीट नाम क्या बन जाएगा, द नेम विल बी 2, 6, 3, 4, tri-methyl After that, hex। अगर आपका पूरा नाम लाइन में नहीं आता तो आप नीचे लिख दो उसका -5-E-1OSC। This is the complete IUPAC name for this compound. Now let's have another example. The formula was prefix and order. Now the example is like this. अब अपन के हाइड्रोजन कंप्लीट करो 1, 2, 3, 4 इसका आपको ओनली 1.3 थ्री बॉन्ड्स वन हाइड्रोजन फोर बॉन्ड्स नो हाइड्रोजन हियर विल बी 3, 3, 1 एंड दिस इज द एग्जांपल। तो अब आप इसको स्टार्ट करें, स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्या देखना है कि उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड कहाँ है, उसमें फंक्शनल ग्रुप कहाँ है वो देखना है आपने। तो ये हो आपका फंक्शनल ग्रुप और ये हो गया इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेन का पार्ट होने चाहिए। अब आप देखो इसका सबसे पहला काम क्या करना है, आपने सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, फर्स्ट रूल इज लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, और सेकंड रूल क्या था नंबरिंग। आफ्टर दैट वी हैव सो मेनी रूल्स बट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड देम टुगेदर, सबको एक साथ मिलाकर ये करते हैं मतलब इन अ वेरी सिंपल फॉर्म, याद रखने के तरीके से हम करते हैं, वी आर नॉट राइटिंग फॉर्मूला, हम उनके जो फॉर्मूले हैं या इनके जो सीक्वेंस है उनको नहीं कर रहे, हम उनको सब इनकॉर्पोरेट करके याद करके ही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की होगी, इट विल बी 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, एक ये फंक्शन होगी, ये भी इसमें फंक्शन ग्रुप है। अब आप देखो इसके अंदर दो फंक्शन ग्रुप है, जब दो फंक्शन ग्रुप आ गए तो आपकी मेन चेन को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए, मेन फंक्शन ग्रुप चेन का पार्ट होना चाहिए। तो दो फंक्शन ग्रुप है, एक तो सी एच ओ और एक ओ एच है, तो इन दोनों में से किसका नाम पहले आ रहा है, सी एच ओ और ओ एच में से सी एच ओ, सी एच ओ विल बी मेन फंक्शन ग्रुप। तो मेन फंक्शन ग्रुप जो है चेन का पार्ट होना चाहिए, नंबरिंग भी उसी के नजदीक से शुरू होनी चाहिए। तो उसके नजदीक से हम बात करें तो कार्बन की जो चेन है वो इसी कार्बन से शुरू हो रही, तो आपका नंबर वन यही बन जाएगा, इट इज वन, उसके बाद नंबर टू, उसके बाद ये नंबर थ्री कार्बन, ये बन गया फोर, फोर के बाद अब आप सोच सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साइड चेन एक्सपेंड होने शुरू हो गए, ये फोर तो ये फाइव, ये फोर तो ये फाइव, आगे इंटर में आपको तो ये क्या हो जाएगा फाइव, और इसके आगे फिर क्या हो गया सिक्स। तो जब हमने इस चेन को सेलेक्ट किया है, इन दिस चेन वी हैव फाउंड दैट इट हैज सिक्स कार्बन एटम्स, तो दिस विल बी अवर मेन चेन, ये आपकी मेन चेन। तो साइड चेन में क्या बच गया, ये बच रहा है, ये बच रहा है, और ये इनका नाम लिख लीजिए, साइड चेन है तो साइड चेन का नाम क्या हो जाएगा, इट इज मैथ
एंड वाई एक्स मिथाइल किस नंबर पर है, 4 नंबर पे। ये किस नंबर के ऊपर है मिथाइल, दिस इज आवर नंबर 4, दोनों 4 नंबर पर। और ये है हमारा हाइड्रोक्सी साइड में आ गया, ये कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे। तो हमारे पास सभी चीजों के नाम हो गए। जब स्टार्ट राइटिंग सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव राइट द वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन के इस बार, 6 कार्बन, तो क्या हो गया x प्लस। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, यू हैव टू गिव बॉन्ड, बॉन्ड कौन सा है इसके अंदर, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहां से स्टार्ट होगा, 2 नंबर से, ठीक है, बनेगा डैश 2e प्लस। अब आपने क्या करना है इसके बाद में, फंक्शन ग्रुप, मेन फंक्शन ग्रुप दोनों में से कौन है, मेन फंक्शन ग्रुप दोनों में से कौन हो गया, कार्बन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का नाम क्या है, अल, सफिक्स नेम फॉर एल्डिहाइड इज एल, अल। अब जो बच गए उनका नाम प्रीफिक्स फॉर्म में लिखना, प्रीफिक्स फॉर्म में अल्फाबेटिकल। तो ये हो गया हाइड्रोजन, एच से शुरू नाम हो रहा है, ये एन से शुरू होता है, हाइड्रोजन पहले, तो क्या बन गया, इट इज 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी प्लस। अब क्या है इसमें मिथाइल किस नंबर पे, 4.4 डाई मिथाइल, 4.4 डाई मिथाइल। अगर इंटीजर रिपीट हो रहे हैं तो आपको इंटीजर रिपीट करके ही लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना कि 4 के ऊपर हम एक बार 4 दिखाते हैं और फिर आगे डाई लिखते हैं, ऐसे 4 दो 4 दो जगह के ऊपर या 4 की ऊपर दो मिथाइल ग्रुप, तो आपको 4 दो बार लिखना है, 2 पर है तो 2 टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स जितनी बार हो तो वो। अब आप इनका प्लस पॉइंट हटा दो, उनको जोड़ करके लिख दो, दैट विल बी योर आईयूपीएसी नेम फॉर दिस कंपाउंड। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, क्लोरीन कीटोन कार्बन एंड लेट्स हैव CH3, दिस इज आवर एग्जांपल, CH3 H CH3 CH, ये एग्जांपल। स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन में क्या होना चाहिए, मेन फंक्शन ग्रुप कौन से, फंक्शन ग्रुप कौन-कौन से इस बार, ये देखो दिस इज CO, ये CO है, कीटोन है, और कौन सा फंक्शन ग्रुप इसमें, क्लोरीन है, ये हो गया। तो आपका ये जो फंक्शन ग्रुप है कीटोन, इट शुड बी द पार्ट ऑफ मेन चेन एंड इट शुड हैव मिनिमम नंबरिंग। दूसरा पॉइंट क्या है, नंबरिंग का, तो वो क्या होना चाहिए इसमें, कम से कम होना चाहिए। तो काउंटिंग कहां से शुरू होगी, इस कार्बन से नहीं, यहां से, क्योंकि अगर आप इससे काउंट करोगे तो आपका एक कार्बन बच जाएगा, तो क्यों ना यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसको मिनिमम नंबर आ जाए, मिल जाएगा, और ये चेन में भी आ जाएगा, 1 2 3। अब ऊपर की तरफ आप जाओगे तो 4 बन जाएगा, आगे आ जाओगे तो ये 4 बन जाएगा, और उसके आगे आ जाओगे तो 5, और यहां से अगर ऊपर चले गए तो 4 पे कार्बन चेन रुक जाएगी, इसलिए हम यहां नीचे की तरफ जाएंगे। सो दिस इज योर मेन चेन। अब मेन चेन को आपको क्या करना था, यू हैव टू कट इट स्लाइटली। अब जो आपके पास बच गया, ये हमने पूरा कंप्लीट कवर कर लिया, जो बच गया ये है, एक ये है और एक ये, राइट देयर में, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो। पोजीशंस आप, ये किस नंबर पे, 3 पे, ये किस नंबर पे है, 2 पर, और ये किस नंबर पे है, 4 नंबर। सो राइट द नेम, सबसे पहले वर्ड रूट, वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 10 प्लस, मल्टीपल बॉन्ड है इस बार, कार्बन कार्बन के बीच में देखना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, सिर्फ कार्बन कार्बन, तो कार्बन कार्बनों के बीच में देखिए, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्या ये हटा, तो इसकी वैलेंसी एक्सटेंड होगी, वैलेंसी ज्यादा होगी तो इसको हमने हटा दिया यहां से। तो ये देखो, अब ये कार्बन है, इसकी डबल बॉन्ड जो बना वो ऑक्सीजन से बना है, तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं होता इन आयन के लिए, कार्बन कार्बन में ही, सिंगल कार्बन कार्बन में ही देखना, इस कार्बन इस कार्बन या इस कार्बन इस कार्बन, तो यहाँ सारे कार्बनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन प्लस। अब मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है इसके अंदर, कीटोन, कीटोन का सफिक्स नेम क्या होता है, ओन, किस नंबर पर है ये, 2, तो इट इज 2 ओन, ये हो गया। अब जो बच रहे हैं वो चीजें, ये हो गया आपका वर्ड रूट, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स, अब बच गया प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में हमारे पास 4 क्लोरो और 3 मिथाइल, तो 4 क्लोरो क्योंकि इसका एलिमेंट पहले आता है प्लस, अब आपके पास रहेगा 3 मिथाइल, राइट द नेम्स बाय रिमूविंग द, नाउ यू हैव टू सॉल्व एज मेनी एग्जांपल्स यू कैन मेक बाय योरसेल्फ बाय हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स इन दैट, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड भी यू कैन टेक, उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, दोनों बॉन्ड भी हो सकते हैं उसके अंदर, और फंक्शन ग्रुप भी हो, साइड चेन भी हो, मेक द प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ।